कहते हैं बहुत पुराने जमाने में एक अच्छा इस जो आबे गुम है इसका नाम है इस पूरे आर्टिकल का नाम है राहिब और शैतान. राहिब वो होता है जो राह दिखाता है, जो इट कुड बी अ पौधे, इट कुड बी यू नो जो पढ़ाता है वो भी हो सकता है. तो बेसिकली इसमें यहाँ जो लफ्ज़ है मतलब जो है वो या तो पादरी से है या फिर उससे है जो पढ़ाता है. तो इट्स मकालमा बिटवीन शैतान एंड द राहिब. राहिब राइट्स, ही गोज़ कि मैं एक रोज जंगल में गुजर रहा था तो मैंने एक दरख्त के नीचे एक शख्स को पड़े हुए कराहते हुए देखा. मैं बहुत हैरान हुआ कि ये शख्स शाम के झटपटे में क्या कर रहा. मैं उसके पास करीब गया तो उसने कराहते हुए मुझे मदद करने को कहा. मैं एक लम्हे को रुका और उसके बाद उसे कहने लगा कि अच्छा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ. तो कहने लगा कि मुझे पहचान तो लो, हो सकता है पहचानने के बाद तुम मेरी मदद ना करो. तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि अच्छा बताओ तुम हो कौन, क्या नाम है तुम्हारा. तो उसने कहा कि मैं शैतान हूं. शैतान का चेहरा खून से लथपथ था और वो मरने के करीब था. मैंने उसको देखा और देखने के बाद बुलंद आवाज से कहना शुरू किया, शुक्र है मरदूद कि तू यहाँ पड़ा है. मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तेरी बख्शिश नहीं होगी. मैं इस बात को जानता हूँ कि तूने लोगों को गुमराह किया है. तू वो है जिसपे किसी की जिसकी मौत पे किसी को दुख नहीं हो सकता. मैं यहाँ से तुझे कहीं नहीं लेके जाने वाला. मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, हत्ता के मैं तेरे हलक में वो आखिरी पानी का तर घूंट भी नहीं डालने वाला जिसकी तलाश में, जिसकी ख्वाहिश में और लोग रहते हैं. तुझे मरना है तो यूं ही प्यासा मर जा कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता. कि तू करोड़ों गुमराह, तूने करोड़ों इंसानों को गुमराह किया है, तू उनका कातिल है. ये कह के मैं पलटा और जाने लगा. तो शैतान की आवाज आई, रुको. और उसके बाद शैतान ने कहना शुरू कर दिया, मैंने मान लिया कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते. मैंने ये भी मान लिया कि तुम मुझे पानी का आखिरी कतरा नहीं पिलाना चाहते. मैंने ये भी मान लिया कि सारे गुनाह मेरे सर हैं. मैंने ये भी मान लिया कि मैं दुनिया के इंसानों को गुमराह करने का सबब बना. मैंने ये भी मान लिया जो जो कुछ तुमने कहा वो सब का सब मैंने मान लिया. लेकिन अब मेरा सवाल तुमसे है, अगर मैं ना होता तो क्या लोग तुम्हें मानते. अगर मैं ना होता तो क्या लोग अच्छाई को जानते. अगर मैं ना होता तो कौन तमीज करता बुराई की और अच्छाई की. तुम भी ये जान लो कि जैसे मेरा वजूद है वैसे ही तुम्हारा भी वजूद है. अगर तुम्हारा वजूद दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा वजूद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं मर गया तो कल सब कुछ एक जैसा होगा. तुम चाहते हो कि इंसानों को पता न चल सके कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है. ये निशानियां हैं जो तुम्हारे रब ने रखी हैं. निशानियां जाहिर होती हैं. मैं उन निशानियों में से बुराई की निशानी हूं, तुम उन निशानियों में से अच्छाई की निशानी हो. फंक्शन तुम्हारा भी है, काम मेरा भी है. लेकिन अगर मैं आज मर गया तो दुनिया नहीं जान पाएगी कि तुम कौन हो. मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है. बोलो मेरी मदद करोगे या मेरे साथ खुद भी मर जाओगे. बताओ क्या कहते हो तुम. ये सुनना था कि मैं सोच में पड़ गया और इसके बाद मैंने शैतान को अपनी गोद में उठा लिया और शहर की तरफ भागने लगा. और मेरे लबों से एक विर्द सा जारी हो गया था कि या अल्लाह तू इसको बचा लेना, इसको महफूज रखना कि ये बच जाए वरना कोई तफरीक नहीं कर पाए अच्छाई में और बुराई में.
ladies and gentlemen, that was Khalil Gibran. Unka article tha, Sar ke Shuru hai kitab ka naam hai. Agar aap padhna chahte hain to padh lein. Once again, ye mere apne nazariyat nahi hai. Maine sirf article aapko bataya hai. Main ye janta hoon ki Khuda har cheez pe qadir hai aur wo sab kuch kar sakta hai. Aur agar wo chahega to wo burai ko dikhane ki koi aur measure, koi aur baat kar dega. Wo agar zahir karna chahega to wo kisi tarah se bhi zahir kar sakta hai. Lekin ye baat bahut important hai ki hum, why do we want to play God? Ek तो उसका तासुर ये था कि अच्छाई को देखने के लिए शायद बदी की जरूरत है. उसका दूसरा पहलू ये था कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, ये सबसे बड़ा पहलू था, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आपको अपना काम करना है. आप अगर किसी को ऐसी हालत में देखें जहां उसको आपकी मदद की जरूरत है तो आपने ये नहीं सोचना कि वो कौन है, क्या है, कैसा है. आपने उसकी मदद करनी है. फैसले का अख्तियार सिर्फ खुदा को है, खुदा के अलावा फैसले का अख्तियार किसी को भी नहीं है. सो यू डोंट प्ले गॉड, लेट गॉड प्ले गॉड. ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी. ये बात दुरुस्त है कि जिब्रान ने शायद उसको वैसे नहीं लिखा, लेकिन मैंने जो कुछ ड्रॉ किया वो ये किया. उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरा अपना फेथ ये कहता है कि मेरा रब हर शय पे कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है. वो मुझे दिखाने के लिए ऐसी हजार निशानियां, हजार करोड़ निशानियां दिखा सकता है जो मुझे हर लम्हा ये बता सकती हैं कि रास्ता सिर्फ अच्छाई का होता है, रास्ता सिर्फ सही होता है. वो कभी नहीं होता जो आपके लिए सही, बस वही होता है जो सही होता है. लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि हम सरेंडर करें. सरेंडर करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है. एक बार अगर आपने सरेंडर कर दिया तो फिर एवरीथिंग बिकम्स इजी.